अयोध्या का इतिहास में अब तक आपने देखा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की भी बात रखी गई। इस सभा के बाद अयोध्या का माहौल कैसे बिगड़ा, किसने राम के नाम पर राजनीति शुरू की और कैसे मस्जिद मंदिर विवाद से बदली देश की राजनीति। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। बाबा राघव दास ने संतों से बैठक की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। इसी बीच वफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू बैरागी इस इलाके में कब्रों मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू बैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे थे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि उनका यही जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात है उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि बाली स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया, खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण कराना था। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके चलते आगे के कार्यक्रम रद्द हो गए। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोलियां चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 का राजनीति और देश पर क्या पड़ा असर। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मंदिर के केस ने कैसे तेजी पकड़ी। मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ, आज कितना बन गया और पूरा स्ट्रक्चर कब तैयार होगा। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको अयोध्या का इतिहास के अगले एपिसोड में।